हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो गाइस, मैं रीना खत्री आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मार्च 4 और रिएक्शन पे। तो भाई आ गई हूँ मैं आज एक और धमाकेदार सी वीडियो के साथ। तो भाई अब की बार जो कैरी मिनाटी का जो जंगल है उसके जो वो शेर है उसमें अब की बार शिकार हुआ है मोटिवेशनल स्पीकर का, एंड उसके ऊपर ही वीडियो आई है कैरी मिनाटी सर की आज से करीब करीब 3 दिन पहले। आई नो आई एम लेट, भाई कुछ हो गया था फैमिली में, फैमिली इशू था, दैट्स व्हाई। लेकिन कोई नहीं, अब रिएक्शन वीडियो कर देते हैं, इट्स ओके। तो फटाफट बढ़ चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो फटाफट देख लेते हैं वीडियो को एंड देखते हैं अब की बार। हमें पता है जो कैरी मिनाटी है उनका जो शिकार करने का स्टाइल है वो बड़ा यूनिक और दमदार रहता है। तो देखते अब की बार शिकार में क्या कुछ, किसको मारा है और किसको बख्श दिया है, देखते हो तो इसी में पता लगेगा। चलो गाइस फटाफट करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। वो यार एक बार तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि संदीप मेहरा सच में आ गए, बिल्कुल डिटॉल लुक लिया भाई ने। कितने लोगों की यही सेम प्रॉब्लम है कि वो क्रिएटिव फील्ड में फंसे हुए हैं और उस वजह से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और ये सबको। वैसे इफ आई मे आस्क, आप पेंटर क्यों नहीं बने रहना चाहते? सर क्योंकि मैं कलर ब्लाइंड हूं, मैं स्काई को ब्लू की जगह ग्रीन पेंट कर देता हूं। सर एक सेकेंड, तो तुम्हारे कलर ब्लाइंड होने से पेंटिंग का क्या रिलेशन है? ये तो एक्सक्यूज हुआ ना। सर पेंटिंग में तो कलर ही होते हैं ना सर। तो तुम अपने पेरेंट्स को साथ लेके बैठ जाओ कि वो तुम्हें सही कलर पिक करके दे दे। मेरे पेरेंट्स की लास्ट ईयर एक्सीडेंट में डेथ हो गई सर। फिर से एक्सक्यूज, ये क्या एक्सक्यूज हुआ सर? यहाँ पर कितने लोगों के पेरेंट्स हैं जो उन्हें सपोर्ट नहीं करते लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे हैं। सर वो मर चुके हैं। हाँ तो मर चुके हैं तो क्या हुआ, उससे तुम्हारी पेंटिंग का क्या रिलेशन? बहाने मत बनाओ। आप ही ने उनके बारे में बात स्टार्ट करी थी, कितने इनसेंसिटिव हो यार आप। यहाँ कितने लोगों को लगता है मैं इनसेंसिटिव हूँ? किसी को भी नहीं। वैसे अगर हम ये कन्वर्सेशन यूट्यूब पे डाले तो आप तो पागल हो गए क्या? पकड़ो, पागल बना रहा। थैंक यू, भगवान आपके माँ बाप को लंबी उम्र दे। मैं और तुम हम उम्र लेके जाओ उसे। खैर आज हम बात करेंगे मेरे बचपन की, जो एक और कहानियां बच गई है उन पे। कौन कौन चाहता आज का यही टॉपिक हो? इसके अलावा कोई भी? तो जब मैं अरे राजत निकालो यहाँ से, कुछ बोल रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, सारा फ्लो तोड़ देता है। हाथ तो ऐसे खड़ा कर रहा है जैसे जाने के पैसे दिए हो। तो मैं कहा था मेरे बचपन पे, जब मैं छोटा बच्चा था 27-28 साल का, तब मैं एक तालाब गया था जहां पर मैं एक मछली से मिला, हिंसा, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर थी। वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रही थी। आज उसी से इंस्पायर होके मैंने अपना ये चैनल खोला है। यहाँ पे किसी को गर्मी तो नहीं लग रही? सच से कहाँ गर्मी लग रही है सर, मैं तो गांव से नंगे पर आया सर, सिर्फ आपसे मिलने। लेट्स एंड टुडे सेशन हियर, बोलिए मेरे साथ, मोटिवेशनल स्पीकर बनना आसान है? किसी भी चीज के नारे लगवाना आसान है? यार तुमने सुना कलंकित प्यानपुरिया भी अब फैप करने लगा है। सर ये फैप क्या होता है? अरे वो जो हिलाते हैं। अब क्या हिलाते हैं सर? मुठ रचत मुठ, कभी किया है, कभी सोचा है? क्या मजा है। अब सॉरी सर मैं मुठल नहीं हूं। शक्ल से तो लगते हो, अब चलाओ उसे। तुम पक्का मुठल हो, तुम्हारी नाक बता रही है। कुछ भी
लड़की घर पे बैठ री के लाए गिनते गिनते हो गई शाम तारे लाए घर आना से थे फिर गए हमें ड्यूटी पे जा बालकों को बेची कच्ची शराब वहां से घर आए और मैंने किया एक और फेर फिर आगे दूसरी ड्यूटी पे जा आज मुझे कर रहे थे 70 स्कैम कॉल कॉल निपटा के मैंने कमाए 300 रुपए फिर देखा बैठा मैं गंदी पिक्चर आज हमने सीखा कभी कभी नारी और पुरुष को पिटने में आनंद भी आता है इसको बड़े बुजुर्गों ने नाम दिया है BDSM इसके बाद हमने मारी एक और फेर जिससे हो गई हमारी आज की 4 फेर पूरी फिर मैं खाट बिछा के सोने लग रहा था तभी आगे पुलिस स्कैम कॉल पकड़ी गई ये रही आज की सेल्फी टुल्लू के साथ फिर हमने जीत में गाई तो लट्टे और सो गए भाई आज भी सिर्फ गाँव के लोगों ने हमारी रील देखी है भाई हम अंकित भाई कैसे वायरल गुना हो रहे मेहनत करता भाई वो हमारे तरह चुतिया करना करता अब की बार तो भाई कह रही भाई ने किसी को नहीं छोड़ा सबको लपेटा है इसमें कॉमेडी तो है ही बढ़िया लेकिन जो एक्टिंग स्किल्स है ना कैरी भाई वो भी भाई उम्दा है बिल्कुल एग्जैक्ट एक्ट कर देते हैं जैसे वो करते हैं नमस्कार कैडबरू आई एम हाइपर एक्टिव व्हेन आई एम इन ऑफिस आई एम अनेबल टू सिट ऑन द चेयर फॉर मोर देन 2 मिनट्स सिट सिट नो नो कैडबरू इट्स अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम सी व्हाट इज अ प्रॉब्लम इट्स नथिंग बट अ सेंटेंस which has a question mark in the end. Now, if you remove that, the problem becomes the answer. So, your problem is the answer to the... Sorry, what was the question? Hello? Sitting chair. See, what is a chair? A chair is nothing but a non-living animal with 4 legs, like an octopus, isn't it? If you remove the legs, like the octopus, it becomes red. Guru, my problem sitting. Remember? See, what is sitting? It's nothing but not standing. So when you are, Red Guru, can you please answer? Main baith kyun nahi pata? What? You can't sit? Why the hell did you tell me before? I am not a chiropractor. Next question. Tune kaun sab bataya tha? Check Guru. I am blind. What do I do? Well, see. Oh, see, see. 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 Next question. Chatguru, how do you have so much energy? The secret to my energy. What? I wasn't sleeping. I was in a trance. Nuclear was playing. Pequan, 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 pequan. Complex composition. Okay, I have to end today's session now. Namaskar. Where are you going, Chatguru? Motivation podcast. I have been invited. See, what is an invite? It's nothing but not unwelcome. So when you are in this amazing... Chatguru! Okay. I am coming. Can we at least dance first? लेकिन जो आपका 30 मिनट के बाद वाला नॉडल है सर ये थोड़ा ज्यादा कीजिएगा पिछली बार रूम कम बने थे सर ओके यस सर इतना कर थोड़ा और A little bit more. कैसे हो भाई वेलकम टू द पॉडकास्ट क्योंकि आप पहली बार गांव से बाहर आए इसलिए ये बुक है मेरी तरफ से बुक है मतलब फूलों का गुलगुला गुलदस्ता
सुप्रिया जी मैं आपकी रीसेंट रील देखी थी जहाँ बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे एंड दैट मेड मी क्यूरियस। आपने कभी मौत के बारे में सोचा? अभी तो ना सोचा, जे अगला चैलेंज वायरल ना हुआ तो सोचूंगा। मैंने सुना आपने यूट्यूब चैनल पे एड रेवेन्यू ऑफ कर रखा है, यू डोंट लाइक कैश फ्लो? अरे पहले स्टार्टिंग में हीरो बनने के लिए ऑफ किया था, अब साला यूट्यूब ऑन ही नहीं करने दे रहा है। एक मिनट में आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा दीदी जी, आपके जो गाल पे तेल लग रहा है मस्त से, बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है मेरे गाल पे। अरे ये तो चॉकलेट कुकी है। उनको ओल्ड वीडियो तो निकाल दिया, ये कैसे किया? आप हमारे व्यूअर्स को वापस करके दिखा सकते हैं? Oh my God guys, we have Pudi Magical Maheshwari with us. Let's come down to the serious questions. आप फैप करते? हाँ भाई, दिन में चार बार कर रहा हूँ। आज एक होटल में भी करके आया हूँ। You? कभी ना है, कभी खड़ा ना हुआ आज तक। ऐसा लगे? हो जाता? कभी कभी? अगर कोई हॉट देख जाते? या कोई फोन पे पैक हो? दीवार में छेद होते? फुटबॉल? कल तो फूलों को देख के हो गया था, वो तो गोल भी नहीं है। थोड़ा बचपन की बात कर तो जैसा मैं हंस में तुम करते थे सही से बताओ यार, तुम भी ना घूम फिर के वही आ जाते हो। क्या करे सर, टॉपिक ही नहीं है। सेम आह, so how do we save soil? Do we press control S or command S? आप हंसते हो? जब चैलेंज होगा तो हंसूंगा। I challenge you. अगर आपको कभी एलियन मिला तो आप उसका हिलाओगे? क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? I am feeling some vibes from you. So, my next question is related. Your favorite Pokemon? See, what is a Pokemon? It's something which comes out of a ball. Just for viewers, ball kya hota? Ball is something which is round, like a horse. Just for viewers, horse kya hota? A horse is nothing but a four like a chair, which can run. So, for our viewers, ke liye? रन क्या होता? अरे राजन, इस मादर चोट की ट्यूशन लगवा, इसके व्यूअर्स को सब पता है, ये ही चूतिया है। ओके ओके, व्यूअर्स क्या? वो वाज दैट अ यूएफओ गिराज? हैव यू फाइनली कम और हैव द बेबीज? तो आपको कैसा लगा मुझसे बात करके? बात कर लगा दिया आपने। आई नो, अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग टूडीप जी। हट चैट गुरु, वेयर इज रजनी? कल अंकित गाइस, वी हैव अ न्यू गेस्ट विद अस, कैरी मराठी इज हियर। तो कैसे हैं आप लोग? आठ साल से एक ही डायलॉग बोल रहे हो, कभी ओरिजिनल कंटेंट बनाने का सोचा? अबे बनाता तो हूँ रोस्ट। यू मीन गालियां? कैरी मराठी बहन के लिए वो मैंने भी रोस्ट कर दिया। साले बिग बॉस का भी तो बनाया है। बिग बॉस का इतने सीजन नहीं है जितने तुम रोस्ट बना चुके हो, और अभी तो म्यूजिक वीडियो भी नहीं चल रही है। क्या था वो? हलवा जलवा, लेट मी टेल यू अबाउट इट। वो भी एक गाली थी मेरे कानों के लिए। कालियों के अलावा और कुछ कहना चाहोगे? अबे पीरा लो, as expected, that's carry melody for you. अपनी वीडियो प्रमोट करने के लिए मेरे शो पे आ जाओ, वो भी अपनी वीडियो में, खुद मैं बन के गजब चूतिया है। अब ब्लूपर्स चला दे, वो एक्चुअली में फनी होंगे। अरे मुठा चत, इस माथर चोट को निकालो यहां से। कट कट। I am not laughing, I am crying. Okay. You stupid boy. You will obey. Okay now.
तो भाई दैट्स द वीडियो एंड कैरी भाई की सच में तारीफ करूंगी मैं बिल्कुल जैसे कि रणवीर अलावादिया की जो एक्टिंग की है और जो मतलब जितने भी करेक्टर्स थे सबकी काइंड ऑफ काफी अमेजिंग एक्टिंग की है, जैसे वो रियल में बोलते बिल्कुल वैसा ही फील आया इस वीडियो में। एंड सही बताओ जब वो संदीप महेश्वरी बन के आए ना एकदम से, तो मैं तो सही में शॉक हो गई थी कि आई मीन सच में कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही वाइब वैसा स्टूडियो। एंड मुझे तो एक बार लगा कि उनकी कोई क्लिप लगा रखी है, लेकिन वो जब शुरू में जब फेस आया और वो बोले वो फर्स्ट वाला डायलॉग क्या था उनका कि कर सकते हो जो भी था वो डायलॉग मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो वही वो वाला उन्होंने जब आके जब वो डायलॉग बोला जब जाके तो मुझे रिकॉग्नाइज हुआ था कि हाँ निन्नी कैरी भाई है, तो मतलब अमेजिंग एक्टर है वो। एंड मतलब एक वो सपाटे वाला भी बहुत नेक्स्ट लेवल वाला था, और लास्ट में जो पॉडकास्ट की तरफ टर्न होगी वीडियो दैट वॉज ऑल्सो ग्रेट भाई। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई कैरी भाई का काम, और क्या शिकार कि आपकी बार किसी को नहीं छोड़ा। ऑफकोर्स जो मतलब जैसे कि पॉइंट्स उठाए हैं थोड़े थोड़े रोस्ट करने के लिए, हाँ अच्छे हैं, मज़ा आया मेरे को। एंड सही बताऊँ काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने इस वीडियो को। आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलती हूँ कल एक और धमाकेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज गुड बाय।